दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव को नजदीक देख करके तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस समय इस मिजाज में लगी हैं, इस जुगाड़ में लगी हैं कि किस प्रकार से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। न केवल कांग्रेस, न केवल आम आदमी पार्टी, न केवल जननायक जनता पार्टी, न मतलब तमाम सभी राजनीतिक दल जो हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। और आज इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज फरीदाबाद पूरी तरह से हॉट रहा, गर्म रहा फरीदाबाद पूरी तरह से। फरीदाबाद के अंदर राजनीतिक गर्मी इस कदर रही कि सुबह सुबह सबसे पहले सुनीता केजरीवाल ने दस्तक दी फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद 89 विधानसभा में। सुनीता केजरीवाल के साथ साथ ही दस्तक दी कुमारी सैलजा ने, जो हरियाणा का हक मांगने निकली हुई हैं। आजकल हरियाणा का हक मिलने तक वो यात्रा कर रही हैं। कुमारी सैलजा भी पहुंची दस्तक देने ओल्ड फरीदाबाद वाली सीट पर ही, फरीदाबाद 89 में। उसके बाद फिर दुष्यंत चौटाला पहुँच गए प्रथला विधानसभा क्षेत्र में, और दुष्यंत चौटाला प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में गए, 10-12 गांव में उनके कार्यक्रम हुए। और शाम ढलते ढलते पहुंच गए दीपेंद्र हुड्डा अपनी यात्रा लेकर के, यानी कि सुबह हुई जो कुमारी सैलजा की यात्रा से और शाम हुई दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से फरीदाबाद की। और इन सब के बीच में एक आयोजन हुआ तीज महोत्सव को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया तीज महोत्सव के बहाने उसके अंदर अपनी ताकत दिखाने का। अब आपको बताते हैं कि फरीदाबाद क्यों महत्वपूर्ण है, फरीदाबाद क्यों जरूरी है और आज का राजनीतिक सिनेरियो क्या था। मैंने आपको बताया कि पहला जो प्रोग्राम था वो फरीदाबाद 89 के अंदर था, फरीदाबाद विधानसभा सीट पर, और उस प्रोग्राम को किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी नेत्री हैं इस समय सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, वो आजकल पूरे हरियाणा में घूम रही हैं। उस सभा का जो आयोजन हुआ था वो किया मेनली प्रवेश मेहता, उसके अंदर उनके साथ बैठे हुए मंच पर दिख रहे थे। प्रवेश मेहता बहुत लंबे समय से इस प्रयास में है कि किसी प्रकार से विधायक बने। एक बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया, एक बार उनको इंडियन नेशनल लोकदल से वो कैंडिडेट हुए, और आजकल वो आम आदमी पार्टी में है प्रवेश मेहता। अब अगर अगला नाम मैं आपसे कहता हूँ जो फरीदाबाद के अंदर, अगला नाम कांग्रेस वाले हैं, लेकिन पहले बात सुनीता केजरीवाल की। सुनीता केजरीवाल आज जब पहुँची तो उन्होंने अपने संबोधन में जो कहा, हालांकि अब और तमाम नेता थे, सुशील गुप्ता जी भी थे वहाँ पर, और बड़े नेता सभी थे वहाँ पर, सुनीता केजरीवाल का बड़ा अच्छा खैर मकदम किया, उनको स्मृति चिन्ह वगैरह सब कुछ दिया गया। आजकल सुनीता केजरीवाल हरियाणा के साथ जोड़ती हैं अरविंद केजरीवाल को, खुद को बताती हैं हरियाणा की बहू, और इसके साथ साथ एक जुड़ाव और बोलती हैं। वो बोलती हैं कि अरविंद केजरीवाल से उनकी शादी हुई, और अरविंद केजरीवाल से जब शादी हुई तो वो उस समय हरियाणा में ही थे, बाद में चले वो दिल्ली की तरफ। और वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, और जब उनसे उनकी शादी हो गई, जब वो हरियाणा के बेटे हैं, तो फिर हरियाणा की बहू हो गई सुनीता केजरीवाल। उस रिश्ते को बड़ा बाखूबी जोड़ रही हैं, आजकल हरियाणा के कोने कोने में जा रही हैं। और आम आदमी पार्टी का जो प्लान चल रहा है वो ये है कि अगस्त के महीने में आम आदमी पार्टी 50-60 रैलियां करके अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है। सुनीता केजरीवाल हरियाणा के जिस भी हिस्से में जाती हैं उनका जो संबोधन होता है, एक तो वो वाला कि जो बताती हैं कि हरियाणा के बेटे और हरियाणा की वो बहू, वो कनेक्शन जोड़ती हैं, और दूसरा फिर सुनीता केजरीवाल के भाषण में जो दूसरी बात होती है वो अपने पति अरविंद केजरीवाल की तुलना करती हैं भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। सुनीता केजरीवाल अपने संबोधन में कहती हैं कि जिस दिन उनके पति अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ, जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस दुनिया में आए, उस दिन जन्माष्टमी थी। और जन्माष्टमी से जोड़ते हुए कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल आजकल घिरे हुए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आप एक बार सुनिए सुनीता केजरीवाल का संबोधन जो आज फरीदाबाद में बोली है। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा के ही लाल हैं। 1994 में हमारी शादी हुई,
अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी नौकरी करते थे हिसार में। अरविंद जी का जन्म हुआ एक गांव में, सिवानी में। उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। अब आप सोचिए, सपने में भी नहीं सोच सकते कि हरियाणा का ये लड़का साधारण परिवार से 20 साल बाद जाकर देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात, ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। इसमें भी हैरानी की बात है कि उस दिन जन्माष्टमी थी, कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था उस दिन। अब ये तो महज इत्तफाक नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान जी आपके बेटे, आपके लाल से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वरना गांव का एक पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ, जाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाता है। आपका बेटे ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और काम तो ऐसे ऐसे किए कि बड़ी बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई अभी तक, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह, दिल्ली में, पंजाब में। सभी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया, उज्जवल कर दिया। सरकारी अस्पताल, उनकी कंडीशन अच्छी कर दी। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जहां अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। सबसे बड़ी बात, बिजली फ्री कर दी। पंजाब और दिल्ली दोनों जगह बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली आती है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। और महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर है, महिलाओं को टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया फ्री। और अब दिल्ली और पंजाब में हर महीना हर महिला को हजार हजार रुपया देने जा रहे हैं। बहुत सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों है आम आदमी पार्टी का, और फरीदाबाद आज गर्म क्यों रहा, फरीदाबाद महत्वपूर्ण क्यों है। अगर मैं आम आदमी पार्टी के हिसाब से जोड़ूं तो फिर आप इसे कुछ यूं समझिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता हुआ है फरीदाबाद। आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली के अंदर देश के हर कोने के नागरिक बसते हैं। और कुछ ऐसा ही अब फरीदाबाद को मान लें, फरीदाबाद NCR का भी दिल है, और फरीदाबाद के अंदर आपको हिंदुस्तान के यानी कि भारत के हर एक कोने का आदमी मिल जाएगा। फरीदाबाद के अंदर तमाम उद्योगपति भी हैं, तमाम चमचमाते आलीशान बिल्डिंग भी हैं, तो फिर झुग्गी झोंपड़ियां भी फरीदाबाद के अंदर पूरे लेवल पर हैं। फरीदाबाद के व्यापारियों की, फरीदाबाद के किसानों की वो समस्याएं हैं जो कभी दिल्ली और पंजाब में रही, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि जैसे हमने दिल्ली के अंदर काम किया, जैसे हमने पंजाब में काम किया, क्योंकि दिल्ली के साथ फरीदाबाद का जुड़ाव मैंने आपको पहले ही बता दिया। फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर टच हैं बिल्कुल। और आप इतना समझ लें कि फरीदाबाद की जो विधानसभा सीट है तिगांव,
और फरीदाबाद की विधानसभा सीट, फरीदाबाद सिटी, ये तो पूरी तरह से टच में है दिल्ली के। यानी कि आपका एक गेट हो सकता है दिल्ली में खुल रहा हो और दूसरा दरवाज़ा आपका खुल रहा हो हरियाणा के अंदर। इतनी नज़दीकी है और इस लिहाज से फरीदाबाद पर पूरा फोकस है। फरीदाबाद में 9 विधानसभा की सीटें भी हैं दोस्तों, और फरीदाबाद के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं उसके अंदर किसान बाहुल्य सीट भी हैं, उसके अंदर व्यापारी उद्योग बाहुल्य सीट भी हैं, उसके अंदर दिल्ली के साथ लगती सीट भी हैं। इसलिए पूरा फोकस फरीदाबाद की तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी का है। इससे पहले सुशील गुप्ता कई बार आते रहे, संजय सिंह पिछले दिनों आए थे, अनुराग ढांडा आते रहते हैं, और आज सुनीता केजरीवाल ने दस्तक दी फरीदाबाद में। सुनीता केजरीवाल की सभा के साथ साथ ही जो दूसरी सभा हुई इसी ओल्ड फरीदाबाद वाली सीट पर, इसी फरीदाबाद 89 में, वहाँ पहुँच गई कुमारी सैलजा अपनी यात्रा को लेकर के, और उस यात्रा का भी खूब ज़बरदस्त वाला स्वागत हुआ। बलजीत कौशिक के नेतृत्व में वो कार्यक्रम खासकर चला और वहाँ पर अल सुबह पहुँच गई थी कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा की यात्रा का बलजीत कौशिक ने स्वागत किया, मैंने आपको बता दिया, लेकिन हुड्डा गुट के लोग इस यात्रा में दिखाई नहीं दिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक हैं। लखन सिंगला और उनकी टीम के कोई भी लोग खैर मकदम करने नहीं पहुँचे कुमारी सैलजा का। और कुमारी सैलजा की जो यात्रा है हरियाणा का हक मिलने तक, आप देख सकते हैं उसका भी नज़ारा क्या था। ये देखिए साथियों, आप तमाम सुन पा रहे हैं, कुमारी सैलजा जी फरीदाबाद देख रहा है। आप सब, हम सब आज यहाँ एक ही मकसद लेकर आए हैं, राहुल गांधी जी का, खारगे जी का संदेश लेकर जन जन तक हमने जाना है। फरीदाबाद की इस नगरी में तो साथियों सब इकट्ठा हो गए हैं। गर्मी है लेकिन ये गर्मी हमने लोगों में लेकर आनी है, ये जोश हमने लोगों में लेकर आना है। मीडिया के हमारे साथियों, मेरे सभी साथियों, मेरी बहनों भाइयों, आइए यहाँ से हम आपको बता दें, कुमारी सैलजा भावी मुख्यमंत्री हरियाणा में पहुंची हैं ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र 89 में, और बकायदा आप तस्वीर देख पा रहे हैं। राजनीति की बातें हम वहाँ पर सबसे बात करेंगे। राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम इस यात्रा के आखिरी छोर पर करेंगे। आइए सब चले, तो कुमारी सैलजा अपनी यात्रा लेकर के पहुंची फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के इस ओल्ड विधानसभा सीट की मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बलजीत कौशिक हैं, जो कुमारी सैलजा के बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं और कुमारी सैलजा उनके लिए पैरवी भी करेंगी, तो बलजीत कौशिक के बड़े भाई आनंद कौशिक विधायक रहे हैं यहाँ से। आनंद कौशिक विधायक रहे हैं इसी फरीदाबाद सीट से 2009 में। 2009 के बाद 2014 में और 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विधायक बने। 2014 के चुनाव में आनंद कौशिक कैंडिडेट थे और 2019 के चुनाव में यहाँ से लखन सिंगला कैंडिडेट थे कांग्रेस के। दोनों वो नेता चुनाव हारे। और आज का अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर बलजीत कौशिक की पैरवी जहाँ कुमारी सैलजा करती हैं, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हनुमान कहे जाते हैं खुद में लखन सिंगला। यानी कि यहाँ मुकाबला कड़ा है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस भी, मुकाबला तो भाजपा वर्सेस भाजपा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता ने आज फरीदाबाद 89 के अंदर ही एक सामाजिक आयोजन के बहाने से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की बात चली। अजय गौड़ हैं फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी की, वो भी टिकट के दावेदार हैं, और आज उन्होंने तीज महोत्सव के नाम पर सेक्टर 12 में एक बड़ा आयोजन किया जिसके अंदर मैथिली ठाकुर पहुंची। ये फरीदाबाद के अंदर अजय गौड़ का आयोजन था, उसके तमाम ग्लोशाइन बोर्ड वगैरह आप सब सारे देख सकते हैं, उनके होल्डिंग फ्लैक्स लगे हुए थे। अब अगर अगली में बात आपसे करता चलूँ तो फिर दुष्यंत चौटाला ने हाजिरी दी आज पृथला के अंदर।
दुष्यंत चौटाला हाजिर रहे प्रथला विधानसभा के अंदर, और प्रथला के अंदर जो दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम थे वो पूरे प्रथला विधानसभा क्षेत्र के 8-9 गांवों में गए। उनकी साथ ही उनकी टीम, उनके कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ थे। प्रथला विधानसभा दुष्यंत चौटाला यानी कि चौटाला परिवार का एक बड़ा जुड़ाव है। मैं आपको बताता चलूँ कि कभी बात एक चलती थी कि जो आपको बताएं कि प्रथला विधानसभा 2009 में अस्तित्व में आई, 2007 का जो परिसीमन था उसके बाद 2009 में प्रथला का उदय हुआ। प्रथला विधानसभा सीट का पूरे हरियाणा के अंदर प्रथला विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर ना कोई कस्बा है, पूरी तरह से ग्रामीण रूरल बेस्ड लगभग 104-105 गांव हैं और उन्हीं गांवों की विधानसभा है। प्रथला का अपना ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस तो है, इसके अलावा प्रथला में और कोई सुविधा भी नहीं है। प्रथला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, उसके कुछ गांव फरीदाबाद जिले में आते हैं, कुछ पलवल जिले में आते हैं। उनके कुछ गांवों के समस्याओं को पलवल के एसडीएम के पास जाना पड़ता है, तो कुछ के लिए उनको बल्लभगढ़ के एसडीएम के पास जाना पड़ता है। इसके साथ देखें तो फिर जो प्रथला विधानसभा है उसके थाने भी हैं, जो तहसील उसकी कहीं पलवल लग जाती है प्रथला विधानसभा की, कहीं बल्लभगढ़ लग जाती है। थाने की बात आती है तो कहीं थाना पलवल जुडिशली का है, यानी कि पलवल जो पुलिस अधीक्षक बैठते हैं उसके अंडर में है, तो कुछ गांव यानी कि मोहना छायसा वाले जो गांव है वहां का थाना है वो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंदर आता है। अब जब मैं प्रथला की आपको बता रहा हूँ, ओम प्रकाश चौटाला परिवार, दुष्यंत चौटाला, इन सब के लिए प्रथला कितना महत्वपूर्ण है कि जब 2009 के चुनाव में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई प्रथला विधानसभा सीट, तो उस समय उसकी तुलना की गई, ये कहा गया कि ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उनके लिए जैसे सिरसा की विधानसभा सीटें उनका गढ़ हैं, दड़वा कला हुआ करती थी उस समय पहले, आज तो विधानसभा सीट नहीं है वो, रतिया हो या रानिया हो, एलनाबाद हो या डबवाली हो, जैसे वहाँ पर चौटाला परिवार अपना आधिपत्य समझता है कि वहाँ के लोग चौटाला परिवार को पसंद करते हैं, और ओम प्रकाश चौटाला ताऊ देवीलाल के परिवार से जुड़े हुए लोग वहाँ लंबे समय तक विधायक रहे, सत्ता में रहे और सत्ता के नज़दीक रहे, यानी कि विधायक बनते रहे, सरकार में कभी शामिल हुए हों या ना हुए हों। इसी लिहाज से माना जाता था कि प्रथला विधानसभा भी ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल परिवार के लिए एक नई प्रयोगशाला बन गई। हालांकि कभी ऐसा हो नहीं पाया कि चौटाला परिवार का कोई नेता यहां से चुनाव मैदान में आया हो, और इवन इतना भी हुआ कि 2019 का तो जो विधानसभा चुनाव था यहां पर जो प्रत्याशी थे जननायक जनता पार्टी की, जिनको टिकट मिली थी, उन्होंने टिकट भी छोड़ दिया। अब दुष्यंत चौटाला आज यहां आए थे, हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता यहां पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन निगाहें लोगों की दुष्यंत चौटाला पर भी रहती हैं। और मैं आपको बताऊं तो पिछले दिनों एक बार ये चर्चा चली थी कि क्या दुष्यंत चौटाला की नज़र खुद की भी प्रथला पर हो सकती है। इस लिहाज से मैंने कहा कि प्रथला विधानसभा और चौटाला परिवार का जो संबंध है वो कुछ हटके है, और आज दुष्यंत चौटाला का आना ये बताता है कि प्रथला विधानसभा से उनका लगाव बहुत गंभीर है। तो मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद की सुबह जा कांग्रेस की कुमारी शैलजा की यात्रा के साथ हुई, अपना हक मांगने आई, वो हरियाणा का हक कितना मांग रही है पता नहीं, अपना हक जरूर मांग रही हैं। और शाम होते होते यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा आ गए हरियाणा मांगे जवाब यात्रा लेकर के, बल्लभगढ़ के अंदर। बल्लभगढ़ में जो उनका जो कार्यक्रम था वो डोप पद यात्रा का कार्यक्रम था, आज अग्रवाल धर्मशाला पे पहुँचे और वहाँ से उनकी यात्रा पूरे बाजार में यहाँ वहाँ घूमते घुमाते हुए और शाम को संपन्न हुई बल्लभगढ़ के बस स्टैंड के पास एक होटल के समीप। यानी कि पूरी तरह से आज जो फरीदाबाद का राजनीतिक माहौल था, पॉलिटिकल सिनेरियो था, राजनीतिक पारा था, पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। और यहाँ दस्तक देने के लिए 1-2-3 नहीं बल्कि 5-5 बड़े आयोजन हुए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फरीदाबाद महत्वपूर्ण है। आपके साथ एक बात और जोड़ता चलूं कि फरीदाबाद जिले के अंदर जो फरीदाबाद लोकसभा है इसके अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, और इन 9 विधानसभा सीटों में से 2014 का जो चुनाव हुआ और 2019 का चुनाव हुआ और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपको सीधे सीधे बताता चलूं कि 2024 का जो भी हाल का लोकसभा चुनाव हुआ, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर इन 9 सीटें जो है, 9 में से 3 पर कांग्रेस जीती और 6 पर भारतीय जनता पार्टी जीती। 3 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप आगे रहे, जिनमें प्रथला विधानसभा भी थी जहां पे आज दुष्यंत चौटाला थे, उनमें हथीन विधानसभा भी थी और उनमें होडल विधानसभा थी। और जिन 6 विधानसभा सीटों पर कृष्णपाल गुर्जर आगे रहे,
उनके अंदर पलवल विधानसभा थी, उनके अंदर बल्लभगढ़ विधानसभा थी, NIT थी, बड़खल थी, तिगांव थी और फरीदाबाद सिटी वाली सीट यहाँ पर आगे रहे कृष्णपाल गुर्जर। अब अगर क्योंकि ज़रूरी है फरीदाबाद को साधना और फरीदाबाद के अंदर अगर मैं आपसे 2014 का ही बताता हूँ दोस्तों, तो 2014 के चुनाव में ये स्थिति भी नहीं थी। 2014 के चुनाव में जो भाजपा के विधायक बने, जो भारतीय जनता पार्टी को नेता मिले, तो फरीदाबाद लोकसभा में जो पलवल जिला आता है उसके अंदर एक भी सीट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को 2014 में। पलवल से करण सिंह दलाल बने कांग्रेस के, होडल से केहर सिंह रावत बने इंडियन नेशनल लोकदल के हथीन से, और होडल से चौधरी उदय भान बने वो भी कांग्रेस के। अगली सीट आती है प्रथला जो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर है, चौथी सीट प्रथला से विधायक बने टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी के। उससे अगली सीट आती है बल्लभगढ़, तो बल्लभगढ़ बीजेपी के हाथ में आई थी, बूलचंद शर्मा बने। उसके बाद अगली सीट चलें तो फिर NIT में इनेलो के कैंडिडेट चुनाव जीते इंडियन नेशनल लोकदल के, और वो बने नगेंद्र भड़ाना। उसके बाद में NIT के बाद में बड़खल में लें तो सीमा त्रिखा विधायक बनी 2014 में। फरीदाबाद सिटी में विपुल गोयल बने, तो तिगांव में बने चुनाव जीते 2014 में ललित नागर। यानी कि जो 9 विधानसभा की सीटें जो फरीदाबाद लोकसभा में आती हैं, वहां 2014 के चुनाव के अंदर 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल को मिल गई, और 2 सीटों के बाद में यहां पर आप माने तो फिर 3 सीट मिल गई इनके अंदर कांग्रेस पार्टी को, 4 सीट जीत पाई मात्र यहां पर भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2019 में अपना प्रदर्शन सुधारा, 4 से 7 पर पहुंची। अब 2024 कई मायनों से महत्वपूर्ण है। जहां कांग्रेस के लिए अपनी नफरी बढ़ानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कम से कम पुराना प्रदर्शन बरकरार रहे। जननायक जनता पार्टी के लिए ये है कि किसी प्रकार से फरीदाबाद जिले के अंदर अपना खाता खुल जाए, तो क्योंकि दिल्ली के नज़दीक होते हुए आम आदमी पार्टी को भी फरीदाबाद से बड़ी उम्मीदें हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन भी सोचता है कि फरीदाबाद में कुछ तो उनके हाथ भी आ सकता है। इस सब लिहाज से देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि फरीदाबाद पर पूरी नज़र थी, और आज फरीदाबाद पूरी तरह से राजनीतिक रूप से गर्म रहा। वैसे अगर आपसे हम पूछें तो आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर अब की बार जो चुनाव होगा विधानसभाओं का, उसमें स्थिति क्या रह सकती है? फरीदाबाद की 9 सीटें जो हैं विधानसभा की, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर, इनमें से भारतीय जनता पार्टी कहाँ मजबूत रह सकती है, कांग्रेस कितनी सीटों पर बाजी मार सकती है, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बसपा गठबंधन और आम आदमी पार्टी, इनका भी क्या खाता खुल सकता है, ये बड़े सवाल हैं। और कमेंट्स बॉक्स में आप भी हमें जरूर बताएं कि फरीदाबाद का पॉलिटिकल सिनेरियो आखिर आगे क्या रह सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।